Is Mystic C from Magic मिस Tarot and this is what is the angels message for you friends. आपके लिए angels का क्या message है और आपको अभी क्या सुनना लाइक एंजल्स के लिए आपके लिए एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है और ये charms रीडिंग है फ्रेंड्स इसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे सो जल्दी जल्दी मैजिक वेंस टेरो को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें फ्रेंड्स जल्द डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स Uh, क्योंकि ज़रूरी है आजकल कर लाइक करना वीडियो को सो so ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करें वीडियो को uh, बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते फ्रेंड्स हम लोग बहुत हार्ड मेहनत करते हैं आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड सिचुएशन लोग डिप्रेस हैं लोग परेशान हैं अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा सो so, प्लीज़ फ्रेंड्स हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कीप मोटिवेटिंग बाई लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है मैनी मैनी एंजल ब्लेसिंग्स टू यू फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है हो सकता है रेजोनेट करे हो सकता है ना करे सोचो कराए उसे रख लीजिए बाकी को जाने दीजिए ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है आप जब भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी और um, फ्रेंड्स जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर ले एज मैजिक वेंस टेरो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैजिक वेंट स्टेरो डॉट कॉम ऑल्सो फ्रेंड्स एक और न्यू चैनल है आप लोगों के लिए गिफ्ट है फ्रेंड्स मेरी तरफ से आप लोगों की एक बड़ी रिक्वेस्ट थी फॉर जस्ट अ हिंदी चैनल और सम एक्सक्लूसिव हिंदू उर्दू चैनल तो वो भी है मैजिक वेंसटेरो हिंदी के नाम से लिंक टाइम्स टैम्स में वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा <laughs> चलिए बिना और बातें करें रिलैक्स करते हैं

टेक अ डीप ब्रेथ रिलैक्स चूज ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री फ्रेंड्स ये टाइम्स रीडिंग है और टाइम टाइम्स जो है कॉमेंट सेक्शन से आप देख लीजिएगा आप हो सकता है एक से ज्यादा आपको पाइल्स अट्रैक्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉरी फ्रेंड्स फॉर द थ्रोट आप देख रहे हैं कि हम लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं गला भी खराब हो जाता है लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं बड़ा दुख लगता है थोड़ा सा डीमोटिवेटेड डीमोटिवेशन लगता है डीमोटिवेटिंग लगता है बट कोई बात नहीं हम अपना काम करते रहेंगे आप सब्सक्राइब शेयर जो मोटिवेट कर रहे हैं थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर वन जिन्होंने चूज करा है ब्यूटिफुल सिल्वर फेदर आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है ये फ्रेंड्स आपके लिए एडवाइस है <coughs> ये जो है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको एक्स्ट्रा मैसेज है चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं फिर हम चांप्स भी देखेंगे इस रीडिंग में ओ माय गॉड एस ऑफ समर्स लवली the magician <clears throat> the six of winter wow the princess of summer the prince of autumn and the five of spring wow friends काफी इंटरेस्टिंग एनर्जीज आई होप आपको गॉड्स दिख रहे हो दिस इज बेटर आई थिंक सो फ्रेंड्स आई डेफिनेटली फील के आप लोग जो हैं काफ़ी अभी जो है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में थोड़े दुखी फील कर रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूँगी कि आप लोग शायद बहुत खफा हैं ज़िंदगी से या नाराज़ हैं या किसी पर्सन से हैं या किसी सिचुएशन से है जो आपको काफ़ी गुस्सा दिला रही है आपको एंगर दिला रही है यू आर नॉट हैप्पी विद समन फ्रेंड्स या तो लाइफ से या किसी सिचुएशन से या आई फील के हो सकता है आप किसी अपनी लव लाइफ से थोड़ा नाराज़ हैं खफ़ा हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं या वर्क और करियर से या जो भी वर्ल्ड सिचुएशन है उससे आप थोड़े परेशान हैं आई ऑल्सो फील के आपको ऐसा लग रहा है कि अभी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे काफ़ी सारे लोग जो हैं uh, या तो आपको ऐसा लग रहा है बहुत अकेले हैं देर आर पीपल हु आर नॉट सपोर्टिंग योर व्यूज़ हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले आपको काफ़ी सेंसिटिव ऐसा मुझे लग रहा है बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हैं और यह आप बहुत सेंसिटिव हैं एज ए ह्यूमन बीइंग बिकॉज आपने सिल्वर चूज़ करा है तो आप हो सकता है काफ़ी केयरिंग हो लविंग हो स्वीट हो आप लोगों को लड़ना लड़ाई झगड़ा या ओपनली बोल्ड होके अपना स्टैंड लेना सब पसंद नहीं है लेकिन लाइफ आपको पुश कर रही है एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट फ्रेंड्स ये अभी या पहले की एनर्जीज़ हैं आपकी <coughs> मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स के आपको थोड़ा अकेलापन लग रहा है और काफी सेंसिटिविटी लग रही है आपको कि लोग जो है अगर आप उनकी आपके सामने ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं या बोर्ड हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं तो आपको काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं वो चीज़ें यू और फीलिंग अ लिटिल सेंसिटिव राइट नाउ बट एंजल्स आपको ये अश्योरिटी देना चाहते हैं इस मैसेज से कि चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी और ऑलरेडी आप उस पाथ पे हैं जहाँ चीज़ें ठीक होने वाली हैं या जल्दी ठीक हो जाएंगी पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे फ्रेंड्स यस पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए ज़रूर होने वाले हैं वेलकम uh, रिलीव फ्राम ट्रबल टाइम्स फ्रेंड्स मैं ये कार्ड पर लिखा पड़ रही हूँ अभी काफी सारे लोग मुझसे कहेंगे आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स इट्स रिटर्न ऑन द कार्ड आई कॉन्ट हेल्प इट वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स एंड ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग फ्रेंड्स काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए आने वाले जो मुश्किलों का दौर है जो फ्रस्ट्रेशन का या सेंसिटिविटी एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी आप इन सब से बाहर निकलेंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ आप मुझसे कहेंगे कि <coughs> आप ऐसे ही कह रहे हो मैजिक वेंस कह रहे हो मिस्टिक्स ये आप ऐसे ही कह रहे हो फ्रेंड्स आई गारंटी यू दिस हंड्रेड एंड वन परसेंट ये आपके साथ हो रहा है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आप, आपको देख रही हूँ आप मूव कर चुके हैं और uh, काफ़ी जल्दी आपकी सिचुएशंस जो हैं लाइफ की वो चेंज होंगी पॉजिटिवली चेंज होंगी आप हो सकता है ट्रैवल या रीलोकेट करेंगे या आप लोग <clears throat> कोई ऑफिस चेंज करेंगे या कोई जॉब चेंज करेंगे या कोई न्यू जॉब आपको मिल सकता है मुझे डेफिनेटली पैसे को लेके काफ़ी इश्यूज लग रहे हैं अगर आप स्पेशली यंग हैं या आप जो भी एज के हैं मुझे लग रहा है आपको पैसे के काफ़ी इश्यूज हैं या करियर की वरीज हैं लव को लेके मतलब कर, करियर पैसे को लेकर काफ़ी टेंशन है कुछ लोगों को फिफ्टी लोगों को आपको करियर की टेंशन है पैसे की टेंशन है बट फ्रेंड्स आप लोग सब्र रखें और आपका जो सब्र है उसका फल काफ़ी होगा मुझे डेफिनेटली लग रहा है एंड नॉट जस्ट दैट आई फील कि आप मैनिफेस्ट करते रहिए बहुत क्विक बहुत क्विक मुझे चेंजेस लग रहे हैं आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा इस समय और आप बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे बाहर आप मैनिफेस्ट करिए जो आप चाह रहे हैं एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इट इज़ लाइक के आपने वो रिसेंटली uh, बहुत सुनी होगी ये वाली कोट मैं आपको वो कोट फिर से सुना देती हूँ ताकि शायद आपको मदद हो मुझे ऐसा लग रहा है द वन हु सेज दे कैन एंड द वन हु सेज दे कांट बोथ आर करेक्ट आपने रिसेंटली काफ़ी सुना होगा ये अब मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं वो वो ही होता है अगर आप सोच रहे हैं आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं आप नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते अगर आप सोच रहे हैं आपकी लाइफ अच्छी हो रही है हो जाएगी होगी डेफिनेटली होगी अगर आप सोच रहे हैं नहीं होगी तो नहीं होगी सो फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिस चीज को प्रे कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है ये जस्ट द बिगिनिंग है इसलिए शायद आपको अभी नजर नहीं आ रही हैं चीज़ें अच्छी होती हुई बट यू हैव टू ट्रस्ट राइट नाउ कि चीज़ें और भी अच्छी होंगी और आप मैनिफेस्ट करते रहिए न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं बातें करते रहिए लोगों से आइडियाज शेयर करते रहिए टॉक करते रहिए अगर आप लोग जो है मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कीप योर बिजनेस कीप वर्किंग ऑन इट कीप योर स्किल्स शार्पन कीजिए अपने स्किल्स को नॉलेज को गिव uh, अप मत कीजिएगा लेट अस रीड इस कार्ड पे क्या लिखा है उप्स यू कैन डू एनी थिंग टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ यू कैन मैनीफेस्ट वॉट यू नीड to be a success, see you can manifest, take charge, you can do anything, friends. फ्रेंड्स एब्सोल्यूटली आपकी लाइफ बेहतर होने वाली है लेकिन ये आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप थोड़ा थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहें थोड़ा थोड़ा काम करते रहें क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आपकी लाइफ को पॉजिटिवली प्रोग्रेस होते हुए देख रही हूँ बट थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा फिफ्टी टेन ट्वेंटी परसेंट थोड़ा सा जैसे होता है कि आप एक आ, 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 आप ढलान पे हैं तो चीज़ें अपने आप सही हो रही हैं लेकिन अगर थोड़ा सा पुश कोई और कर दे तो आप और भी ज़्यादा रूम रूम करते हैं, जा सकते हैं फास्ट सो so, ऐसी एनर्जी है ऑल्सो आई फ्रेंड्स आई ऑल्सो फील के <clears throat> आप लोग जो हैं लव लाइफ़ में काफ़ी परेशान है किसी से काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है या आप लोग काफ़ी कन्फ्लिक्टड हैं अपनी लव लाइफ़ को लेके कि क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई रिलेशनशिप में है आप तो वहाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या आप सिंगल हैं तो भी आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है हो सकता है कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस या केप्रिकॉन वर्गो टॉरस पर्सन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या कोई एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आई फील ये जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं लव लाइफ में स्पेशली आई थिंक आप उन सब से बाहर आने वाले हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं बिकॉज uh, आपके लिए जो है एस ऑफ कप्स आया है फ्रेंड्स डेफिनेटली uh, या तो कोई न्यू लवर या रिन्यूड लव आपके लिए आने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ कोई प्रपोजल आ सकता है या आप किसी को प्रपोज करेंगे या डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो बेहतर होगी ये लड़ाई झगड़े ये जो हर्ट पेन है ये सब ठीक होगा यू हैव टू ट्रस्ट एंड मैनिफेस्ट दिस फ्रेंड्स एंजल्स आपको कह रहे हैं जो आप सोच रहे हैं वो आप अचीव कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा सोचिए और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो फ्रेंड्स मैजिक वेंस टेरो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ पे आपको डेली रीडिंग्स देते हैं मैं बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ आई एम श्योर इट विल हेल्प यू टू स्टे पॉजिटिव ओपन योर हार्ट टू लव द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और The rebirth of a current one, the awakening of psychic abilities. केबिलिटीज़ so, तो मुझे तो lag लग रहा है aapko आपको new offers of love milne मिलने वाले हैं या कोई पुराने रिश्ते में नई सुकून नई शांति आएगी हम चार्म से भी देखेंगे बैग ऑफ़ चार्म है मेरा यहाँ पे एंड में देखेंगे अभी पहले कार्ड्स देख लेते हैं डिटेल में ताकि आपको हेल्प मिल जाए और <clears throat> मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी क्रिएटिव होने वाले आई कैन सी यू ड्राइंग पेंटिंग मेकिंग सम फूड काफ़ी सारे लोग आप लोग जो है uh, कुछ खाना वगैरह बनाना सीखने वाले या बहुत इंटरेस्टिंग या कोई आपको ऑफर uh, हो सकता है कोई फूड डेट या नो कॉफी डेट वगैरह सो स्टे ओपन फॉर दैट काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप हो सकता है किसी को प्रपोज कर दें आपके मन में है कोई पर्सन या कोई आपको जल्दी से विदाउट आप मैनिफेस्ट कीजिए फ्रेंड्स चलिए अभी अभी करते हैं लेट्स टेक अ मोमेंट नाउ लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड आप जो आपके ऑन द काउंट मैं तीन काउंट करूँगी और उसके बाद आप अपनी विश अपने मन में बोल लीजिएगा और फिर हम uh, फिर देखते हैं वो कितनी जल्दी पूरी होती है वन टू एंड थ्री एंड आमेन आई थिंक फ्रेंड्स आपकी विशेज बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगे मैंने आपके लिए दुआ मांग ली है <laughs> चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए एडवाइस क्या है फिर आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का मैसेज देखेंगे योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ न्यू मून इन केप्रिकॉन जी हाँ फ्रेंड्स आपने जितना हार्डवर्क पे अभी तक आपने किया है या आपने जितना पेशेंस शो करा है बहुत काबिल तारीफ़ है आप लोग बहुत ही जल्दी उसको रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आई थिंक आप लोग थोड़े से डाउटफुल हो गए हैं कि टाइम बहुत लग रहा है चीज़ें ठीक होने में इसलिए शायद आप थोड़े से डाउटफुल हो रहे हैं इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन न्यू मून इन एरीज़ सो डेफ़िनेटली फ्रेंड्स आप मैनिफेस्ट करते रहिए और नई चीज़ों की तरफ बढ़ते रहिए डाउट ना करें वरी ना करें एनजाइटी में एजाइटी भी करें वरी भी करें लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप अपना काम जो है को भी करते रहिए क्योंकि लाइफ ऐसी ही होती है फ्रेंड्स इट डजेंट ऑलवेज यू नो आप एक ही चीज़ करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आप सब कुछ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको ठीक लगेगा आपको वरी भी करना है करते रहिए लेकिन अपने काम करते रहिए अपना हार्ड वर्क करते रहिए नई चीजें सीखते रहिए ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी फिर वरी आपको और मैं तो आपके लिए न्यू स्टार्ट देख रही हूँ वर्क में पैसे आ रहे हैं आपके लिए लव आ रहा है आपके लिए मुझे तो लग रहा है आप लोग खुद जाके प्रपोज करने वाले स्पेशली अगर आप यंग हैं बहुत ज़्यादा या आप किसी को पसंद करते हैं चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको रेज्यूबिनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट हील द प्रेजेंट वाह फ्रेंड्स आई थिंक आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास्ट को लेके हैं कि पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं हुई वहाँ से हार्ट एक वहाँ से धोखा मिला वहाँ से लॉस मिला फाइनेंशियल या इमोशनल uh, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स हैं आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपको हेल्प कर रहे हैं आपके पास्ट को हील uh, करने में और आपके प्रेजेंट को जो है वो और भी बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर उनको uh, आप उनको ये करने दें फ्रेंड्स आई थिंक स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं वो बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी पे आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको सपोर्ट नहीं है तो एंजल्स हैं आपके स्पिरिट गाइड्स हैं मैं हूँ मैजिक वेंस टेरो है हमारी पूरी कम्युनिटी हम लोग जो है सब आपके साथ हैं फ्रेंड्स टो नॉट वरी री फ्रेंड्स सॉरी फॉर द कैमरा बम्स आई कांट हेल्प इट स्पिरिट इज़ वेरी एक्टिव आई कांट हेल्प इट चलिए आपके चांस देखते हैं फ्रेंड्स फॉर ऑप्शन नंबर वन एंजल्स मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर वन Oh, wow. आपके तो चांस भी ड्रॉप्स कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं फ्रेंड्स <laughs> uh, ऐसा जब होता है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही होती है स्पिरिट की तरफ से या बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं इन uh, हम जितना होल्ड करें उससे ज़्यादा हैं तो ऐसा होता है चलिए आपके इनिशियल्स देखते हैं डी ई एंड ई एन टी ओ माई गॉड फ्रेंड्स डेट बन रहा है यहाँ डी ए टी ई सो हो सकता है आप कहीं डेट पे जा रहे हो किसी के साथ या जाएंगे एंड देर इज ऑल्सो ई सो देर मे बी डी डी यू नो डी कोई नाम हो सकता है टेड नाम हो सकता है किसी का या टेड है एट भी हो सकता है डेफ़िनेटली आप लोग कुछ क्रिएटिव या खाने पीने को लेके करने वाले में आपसे बोल भी रही थी तो आपके जो लेटर्स हैं वो है ए टी ई टी ई डी सो so, ये आपके लेटर्स हैं एप्पल भी आया है आई थिंक अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे आप चिंता ना करें और आप खुश रहें स्वस्थ रहें अच्छा अच्छा खाते रहें थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करते रहें और नंबर ट्वेंटी टू इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपकी एज हो बर्थ डेट हो या टू 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 ऑल्सो जो नंबर है वो है कि आपके साथ एंजल्स का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है आप अकेले नहीं हैं एंजल्स आर विद यू लकी बूट फ्रेंड्स मनी आ रही है आप लोग काफ़ी सारे लोगों को 50% परसेंट लोगों को पैसे से बहुत प्रॉब्लम हो रही है या मनी को लेके करियर को लेके फ्रेंड्स आपको रिलीफ मिलेगा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा ट्रम्पेट आया है डेफ़िनेटली मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स आपकी तरफ न्यूज़ uh, और मैसेजेस जिनका आपको वेट है वो आने वाले हैं आपके लिए काफ़ी जल्दी आई दिस रिमाइंड मी ऑफ द सॉन्ग ये जो ट्रम्पेट है इससे मुझे वो गाना याद आ रहा है <laughs> सो आई टेल यू आप देख रहे हैं आप लोग परेशान हैं तो स्पिरिट कितने ज़्यादा मदद कर रहे हैं दैट आजकल जो मैसेजेस हैं वो डबल ट्रिपल अमाउंट्स में आ रहे हैं लाइक टेन टाइम्स में आ रहे हैं सॉन्ग्स मैसेजेस ये वो चाम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर चैनलर्स लाइक मी एंड अदर पीपुल के हम चैनल करके आपको सब बता पाएँ एक छोटे से वीडियो में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और फिर भी आप लोग खुश नहीं होते हैं फ्रेंड्स तो आई डोंट नो हाउ टू मेक यू हैप्पी आई थिंक उसके बाद तो एंजल्स भी गएंगे पता नहीं आप कैसे खुश होते हैं आई थिंक दज Uh, नगाड़ा नगाड़ा बजा आई थिंक दैट्स द सॉन्ग दैट आई एम हियरिंग आई थिंक आपको सुनने की ज़रूरत है थोड़ा हैप्पी वाइब्स मिलेंगी आपको वहाँ से एंजल्स रिकमेंड कर रहे हैं आपको वो जाके सुनिए uh, नगाड़ा नगाड़ा बजा आई डोंट नो कौन सी मूवी का है uh, <laughs> द ट्री ऑफ लाइफ डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर आप लोगों को लव के लिए प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं या कोई स्ट्रांग फैमिली कनेक्शन या जिसके साथ आप यू नो होम फैमिली सब बिल्ड कर सकेंगे वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या कनेक्शंस हील होंगे ये जो लीफ है ये पास्ट की एनर्जी है फ्रेंड्स अगर पास्ट से आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है उसे जाने दें पकड़ के ना बैठे हैं क्योंकि एंजल्स ने आपको कहा भी है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड हील द प्रजेंट क्राउन भी आया है फ्रेंड्स एब्सल्यूटली आप तो मेरे लिए एकदम किंग और क्वीन्स की तरह हैं एब्सोल्यूट प्रिंस prince है. और प्रिंसेज हैं और गोल्डन में आया है सो so डेफिनेटली आप या तो किसी के दिल के राजा या दिल की रानी हैं या फिर आपको डेफिनेटली कोई प्रमोशन या कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है वर्क में या करियर या एजुकेशन में और देखिए क्रॉस भी है होली क्रॉस क्योंकि मुझे पता है जब मैं आपको अच्छी मैसेजेस देती हूँ ना तो आप लोगों को डाउट बहुत होता है तो फिर एंजल्स आपको बिल्कुल काउंटर अटैक करते हैं कि देखिए इट फेटेड ये आपको आप डिज़र्व करते हैं फ्रेंड्स यू डिज़र्व इट इट इज़ डेस्टाइंड फॉर यू अ सेलिब्रेशन इज़ ऑल्सो कमिंग दिस इज़ अ बॉटल लुक एट दिस या तो कोई सेलिब्रेशन आ रहा है या किसी के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है कोई रोमांस लव ऑफर्स प्रपोज़ल्स या कोई अपने बंद जज्बात आपके सामने खोल के रख देंगे फ्रेंड्स ऑल्सो मनी की एनर्जी है यहाँ पे यहाँ पे भी क्वीन है सो so, फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा या आपने जो भी अभी तक पेशेंस या हार्ड वर्क शो कराए उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा यू हैव टू ट्रस्ट एंड बिलीव पास्ट लाइफ डेफिनेटली अभी तक चीज़ें स्लो इसलिए भी हो रही थी कि कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज थे जो पास्ट में चीज़ें ठीक नहीं चली वो पास्ट लाइफ इश्यूज की वजह से थे जनवरी इज़ इंपॉर्टेंट एंड नाइन ऑफ वांस आप बिल्कुल गिव अप ना करें नाइन ऑफ वांस इज टेकिंग चार्ज नॉट गिविंग अप क्योंकि नाइन ऑफ वांस के बाद जो है यू नो इट्स लाइक आप गिव अपना करें फ्रेंड्स आपका सक्सेस आपको मिलेगा स्टार देखिए अगेन नाइन ऑफ वांस डोंट गिव अपज विशेज आर गोइंग टू कम ट्रू नाइन ऑफ एयर आपको वरी भी बहुत हो रही है फ्रेंड्स एनजाइटी आप लोग सो नहीं रहे हैं मुझे लग रहा है सो आई थिंक थोड़ा रेस्ट कीजिए थोड़ा रिलैक्स कीजिए नेपट्टून की एनर्जी काफ़ी कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में या आपको थोड़ा लग रहा है कि फ्यूचर को लेके सब कन्फ्यूजिंग है पेशेंस रखिए फ्रेंस फ्रेंड्स पेशेंस किंग ऑफ वनस एरीज लियोस वेजिटेरियस पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टेन ऑफ कॉइन्स डेफिनेटली फैमिली मनी हैप्पीनेस और वेडिंगस वगैरह या न्यू प्रपोजल्स डेफिनेटली आने वाले हैं आपके लिए फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही मैजिक वेंस टैरों को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बताएं मुझे रीडिंग आपको कैसी लगी चार्स के साथ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है और फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेजोनेट करे कि नहीं और आप लोग क्या खा रहे पी रहे हैं मुझे भी बताइए मैं तो सारा दिन आपके लिए रीडिंग्स करती हूँ आप लोगों के सजेशन्स मुझे ज़रूर बताइएगा वॉट टू ईट वॉट नॉट टू ईट और इफ़ यू आर डूइंग एनी थिंग एक्साइटिंग मुझे ज़रूर बताइए और जॉइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टेरो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैजिक वेंस टेरो डॉट कॉम फ्रेंड्स नई चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें लिंक टाइम्स टाइम्स में दिस इज मिस्टिक सी सिंग बाय सो फ्रेंड्स फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर टू ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन शाइनिंग शाइनिंग स्पार्कली फेदर चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं ये चांस रीडिंग है फ्रेंड्स चार्ज भी देखेंगे हम ये आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस या एडवाइस है फ्रॉम द एंजल्स ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज है और आपके कार्ड्स देखते हैं चांस हम जो है इस रीडिंग में एंड में देखेंगे पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं एक बार द वर्ल्ड द प्रिंसेस ऑफ विंटर अवेखने द two ऑफ विंटर द seven ऑफ समर एंड द जस्टिस वाओ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं फ्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आई थिंक फ्रेंड्स पायल नंबर टू आप लोग जो हैं करंटली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है या बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है चॉइसेस हैं डिसीजंस हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे कैसे लेने क्या करना है काफ़ी कन्फ्यूजन है आप लोगों को कई चीज़ों के बारे में लाइफ में लाइक like, आप लोग डबल माइंड्स में हैं आप लोग करियर में चेंज करना चाह रहे हैं बट आपको लग रहा है करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऑल्सो आप लोग जो है अपने जॉब वगैरह या एजुकेशन में चेंज करना चाह रहे हैं बट आपको नहीं समझ आ रहा कि करना है या नहीं करना चाहिए कुछ ऐसा है जो आपको बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि आप बहुत बंधा हुआ और रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं है राइट नाउ कि आप Uh, एक फ्रस्ट्रेशन है कि आप ना जिस भी सिचुएशन में हैं अभी राइट right नाउ आप उससे भागना चाह रहे हैं इट इज़ लाइक कि आपको भागने का मन कर रहा है कि ये तो इतना स्लो पेस चल रहा है या वर्ल्ड सिचुएशंस जो हैं ये आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रही हैं फ्रेंड्स और एक जो ये स्लो पेस आ गया है लाइफ का या जो अभी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजनज हैं ये आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं आई फील आप लोगों uh, को एजुकेशन को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या करें एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे चीजें ऑफिस यू नो क्या होगा घर से ही काम करते रहेंगे देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड देर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आप लोग जो हैं uh, काफ़ी ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का या तो कोई विक्ट्री uh, होने का या कोई रिवॉर्ड आने का या कोई जस्टिस मिलने का आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है फेयर नहीं है लाइफ में चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं लाइफ में आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको अपने लिए लड़ना पड़ता है बट आपको रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं आपको अपने आप को खुद सपोर्ट करना पड़ रहा है आपको वर्क में सपोर्ट नहीं कर रहे लोग आपको लव में सपोर्ट नहीं कर रहे अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप स्टक है पॉज पे है रुकी हुई है हो सकता है वो पर्सन आपको चूज नहीं कर रहे हो आपको लेके कंफ्यूज्ड कन्फ्यूज है या आप उनको लेके कंफ्यूज्ड कन्फ्यूज हैं रिलेशनशिप्स में भी ये एनर्जी लग रही है या आपने रिसेंटली किसी से मूव ऑन किया है बट यू आर नॉट श्योर कि वो सही डिसीजन था या नहीं था काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं फ्रेंड्स आपको काफ़ी ज़्यादा और ये कि जो पॉज आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी थम सी गई है रफ्तार जो है ज़िंदगी की धीमी हो गई है और ये आपको मज़े नहीं आ रहे हैं इसमें बट एंजल्स आपको डेफिनेटली कहना चाहते हैं कि uh, ये जो आपकी थीमी uh, या जो कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आप जो है एक डिसीजन पे स्टिक नहीं कर पा रहे हैं आपको जो है अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया आप उसको वापस बार बार सोच रहे हैं तो दैट्स नॉट हेल्पिंग यू इन डिसीजन इनडिसिवनेस इज़ होल्डिंग यू बैक मेक द चॉइस दैट्स बेस्ट फॉर यू रेदर देन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स फीलिंग ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ इन एंड कंफ्यूजन सी अगर आपने डिसीजन कोई ले लिया है फ्रेंड्स उसको ओवर थिंक ना करें अगर आपने कोई डिसीजन लेना है आगे चल के या भी तो आपको जो सही लग रहा है या जितना समझ आ रहा है उस हिसाब से आप ले लीजिए बिकॉज ज्यादा सोचने से कुछ हेल्प नहीं हो रहा है ना आपको हो रहा है ना सिचुएशन को हो रहा है ऑल्सो देखिये यहाँ पे भी है नो मोर प्रोकेस्टिनेटिंग योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन देखिए दूसरा कार्ड है डिसीजन पे कन्फ्यूजन दैट अरइज़ फ्राम ओवर एनालाइजिंग दप्शंस आई फील आप लोग काफ़ी ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक्शन कम ले रहे हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है आई डेफिनेटली फ़ील कि या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास अभी जैसे जॉब या करियर को ले तो आप कैसे एक्ट करें कैसे डिसाइड करें आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मिल जाए तो आपके लिए डिसीजन लेना ठीक होगा या उसके बावज उसके बाद डिसीजन लेना मुझे लग रहा है काफ़ी सारा कन्फ्यूजन चल रहा है लेकिन ये कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी फॉर राइट नाउ आप जो आपने डिसीजंस लिए हैं उनको सेकंड गेस ना करें और ट्रस्ट करें कि जो पॉज़ या वेट आपकी लाइफ में चल रहा है वो डेस्टाइंड है या अभी ज़रूरी है आई ऑल्सो फील कि कुछ लोग आप जो हैं रीलोकेट करना चाह रहे हैं या नया घर खरीदना चाह रहे हैं या आपको कुछ नया चाहिए लाइफ में आप उस पर वर्क कर रहे हैं लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं आपने कोई रिलेशनशिप ख़त्म किया आपको समझ नहीं आ रहा सही था नहीं था क्या था फ्रेंड्स आई थिंक देर इज़ अ पॉज़ राइट नाउ और एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें स्लो चल रही हैं वो ज़रूरी है एट द मोमेंट और आ, आप उसको सेकेंड गेस ना करें एक नया परसेप्शन से देखिए एक नए हायर परस्पेक्टिव से देखिए आप चीज़ों को जो है बहुत माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क में आप लोग uh, कोई वीज़ाज़ परमिट्स या परमिशंस को लेके या बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट डील्स या लॉ uh, वगैरह से परेशान है कि इतनी सारी पेपर वर्क करना पड़ रहा है या आपको नया जॉब नहीं मिल रहा है आई थिंक फ्रेंड्स आपको मिलेगा जस्ट लिटिल बिट ऑफ पेशेंस इज़ नीडेड ऑल्डो आप काफ़ी पेशेंट हैं और काफ़ी आप सुकून से बैठे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा से थोड़ी सी की ज़रूरत है ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैसेजेस और न्यूज़ आने वाले हैं आपके लिए बट थोड़ा आपको एक्शन करना पड़ेगा कि आपको किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा या आपको किसी को बताना पड़ेगा यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब और यू वॉन्ट टू ट्रैवल यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू होम ये सब बातें हैं आई ऑल्सो फील लव के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप uh, किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करके आए हैं या आप करना चाह रहे हैं या कोई रिलेशनशिप स्टक है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकती है मैरिज हो सकती है जो स्टक है बट आप लोग उसको ठीक करना चाह रहे हैं या वो ठीक नहीं चल रही है इस बहुत पॉज पे लग रही है आपकी लव लाइफ अगर आप सिंगल भी हैं तो आप काफ़ी लंबे समय से सिंगल हैं आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस चीज़ से आपको लग रहा है आप ही के साथ क्यों होता है गलत लोग आते हैं या आप लोग ही सिंगल रह जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ आप तो बहुत स्वीट हैं काइंड हैं फिर क्यों आई थिंक फ्रेंड्स बिकॉज आपके लिए कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंजल्स और क्योंकि ये कार्ड भी देखिए अगर आप देख सकें तो ब्रिलियंट सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू अ ब्रिलियंट सक्सेस द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन अ जर्नी दैट्स नाउ कंप्लीट आपके लिए बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस आने वाला है और आपको जो सक्सेस मिलेगा या जो रिलेशनशिप मिलेगी वो सिर्फ आपको एक रिलेशनशिप नहीं होगी आपको फ्रीडम भी देगी आपको लव देगी सपोर्ट देगी बहुत कुछ मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप से आई ऑल्सो फील अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कोई पर्सन आपको आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं वो पॉज लेके बैठे हैं बातें नहीं हो रही हैं स्टक है रिलेशनशिप या वो आपको चूज नहीं कर रहे काफ़ी कन्फ्यूजनज हैं काफी तो आई थिंक आपको अभी उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिकॉज जस्टिस का कार्ड है अभी शायद राइट right टाइमिंग ना हो बट <coughs> आगे हो सकता है इन यू विल विन इन द एंड फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली सो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये टाइम है आप लोगों को uh, ऑब्जेक्टिवली थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने का ज़्यादा इमोशनली या ज़्यादा परेशान ना हो थोड़ा पॉज़ है बिकॉज़ ये अभी ज़रूरी है क्योंकि चीज़ों को हायर परस्पेक्टिव से देखिए कुछ चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपके लिए कुछ चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं थोड़ा सा वक्त लग रहा है ऑलसो मुझे ऐसा लग रहा आपने कोई एक जर्नी ख़त्म की है एक न्यू स्टार्ट होगी तो थोड़ा सा पॉज़ है आई ऑल्सो फील लव में आप एक जेवेना जेमिना या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज के साथ डील कर रहे हैं या आप इन सनसाइन से हैं कोई एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या करेंगे आपको हो सकता है फ्रेंड्स अगर आप सिंगल हैं तो कोई न्यू पर्सन मिले लेकिन वो uh, आपको जब मिलेंगे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या रीलोकेट कर रहे हैं या अपने घर से सराउंडिंग्स को uh, कहीं और जा रहे हैं लाइक यू चेंज इन ऑफिस यू चेंज कॉलेज Uh, तो वहाँ मिल रहे हैं आपको आपके घर की सराउंडिंग से अलग जगह पे मिलेंगे वो तो आपको ये खुद चेंज करना पड़ेगा तब वो मिलेंगे कोई न्यू पर्सन अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो मुझे लग रहा है डेफ़िनेटली कोई पर्सन है या सिचुएशन जो है आपकी लव लाइफ में इम्प्रूव होगी चेंज होगी और ब्रेक थ्रूज मिलेंगे जस्टिस होगा अगर आप अभी नहीं विन कर रहे हैं तो आप आगे जरूर करेंगे क्योंकि ये डेस्टाइंड है आपके लिए पर अगर आपने कोई डिसीजंस ले लिए हैं अपनी लव लाइफ में तो प्लीज़ उनको सेकंड गैस ना करें मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सेकंड गैस कर रहे हैं डाउट कर रहे हैं ऐसा ना करें बिकॉज ये आपको हेल्थ भी अफेक्ट कर सकता है सो डोंट सेकंड गेस योर सेल्फ़ क्लैरिटी रखें आपको जिन मैसेजेस का वेट है वो आ रहे हैं चाहे लव में हो करियर में या एजुकेशन में कुछ लोगों को एग्ज़ाम डेट्स का या एग्ज़ाम शेड्यूल्स का पता करना है वो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा फ्रेंड्स बहुत जल्दी या आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछें शायद उनको पता हो ऑलरेडी या कोई आपने टीचर्स से तो उनको पता हो सकता है चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है आई ऑल्सो फील के फ्रेंड्स आप लोग जो है अपने क्रिएटिविटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है या अभी आप उस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे बाहरी चीज़ों पर बहुत फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है सो आई थिंक यू नीड टू कनेक्ट ये एक मैसेज और आ रहा है यू नीड टू कनेक्ट विद योर स्परिचुअलिटी मेडिटेट करें या क्रिएटिविटी कुछ लिखें या कुछ ड्रॉ करें पेंट करें या म्यूज़िक से सुने या कर बनाएं म्यूजिक वगैरह आप लोग क्योंकि सिंग इफ़ यू आर अ सिंगर आप सिंग कर सकते हैं कुछ आई थिंक आपको अपनी क्रिएटिविटी से डिसकनेक्ट है तो वहाँ पे आपको जरूरी है कुछ करना नंबर ट्वेंटी वन ट्वेल्व और देखिए ट्वेल्व ट्वेंटी वन अगेन ट्विन फ्लेम नंबर्स हैं मिरर नंबर्स हैं ट्वेंटी वन ट्वेल्व सेवन इलेवन एट एट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स चलिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिनिंग फॉर यू न्यू मून इन लीब्रा येस फ्रेंड्स अभी अगर आपको आपकी लव लाइफ में बहुत स्टफ़ एनर्जी फील हो रही है फ्रस्ट्रेशन फील हो रहे हैं आप रिलैक्स करें आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी फ्रेंड्स डोंट वरी अबाउट इट आप लोग uh, एक न्यू स्टार्ट होगा फ्रेंड्स एक न्यू रोमांटिक साइकिल अभी जो है आप एक साइकिल से ख़त्म करके आए हैं अब दूसरी साइकिल स्टार्ट होनी है थोड़ा सा बीच में पॉज है एक्सेप्ट कीजिए उसे एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू थर्ड टू थर्ड टू क्वार्टर मून डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको मैंने आपको बोला कुछ चीज़ें तो एडजस्ट आपको करनी पड़ेंगी राइट नाउ चाहे वो वेट हो ये जो अभी चल रहा है या जो कन्फ्यूजन है थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट बट एडजस्टमेंट क्या करने हैं आपको पहली चीज कि अगर आप uh, जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं थोड़ा एक्शन और एग्रेसिवली लीजिए आपको जॉब मिल जाएगा या वो अपॉर्चुनिटी या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा बोल्ड थोड़ा और थोड़ा बोल्ड होइए ऑल्सो आप लव ढूंढ रहे हैं आप थोड़ा एंटी सोशल लग रहे हैं थोड़ा मिलिए लोगों से बातें कीजिए ताकि लव और आपकी लाइफ में आ सके अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं तो आई थिंक थोड़ा आप फॉर गिव करिए थोड़ा वो कर दें तो बेहतर होगा मुझे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम डबल माइंड्स में कंफ्यूजन में वेट करा रहे हैं या एंडिंग हुई है रिलेशनशिप की ट्रस्ट करें यह ज़रूरी है फॉर दिस टू हैपन नाउ पर आपने ग्रीन चुना है तो हीलिंग होगी आगे चल के या अभी हीलिंग हो रही है सो वेट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड चलिए आपके स्पिरिट गाइड्स का एडवाइस देखते हैं <coughs> आपके लिए ग्रेट एडवेंचर टेक अ रिस्क वेंचर फॉरवर्ड डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके लिए ग्रेट एडवेंचर आ रहा है जर्नी आपकी प्रोग्रेस करेगी ये जो स्टक एनर्जी है हमेशा नहीं रहेगी ये कन्फ्यूजन हमेशा नहीं रहने वाले जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएंगे आपको ज़रूरत है थोड़ी सी टिनी मनी सी एक रिस्क लेने की चाहे आपको थोड़ा बोल्ड होने की ज़रूरत है या चाहे अपनी थिंकिंग को चेंज करने की अपना रूटीन चेंज कर लीजिए थोड़ा लोगों से बातें कीजिए और चलिए आपके चांस देखते हैं ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं फाइल नंबर टू चलिए देखते हैं नंबर फोर आया देखिए फोर इज़ अबाउट स्टेबिलिटी फोर एंड वन फोर और वन अपने आप शिफ्ट हो गया वो फोर आया है फोर इज़ अबाउट स्टेबिलिटी होम फैमिली आपको इन सब चीज़ों पे फोकस होगा शायद अभी होम क्या है फैमिली क्या है आपको अपना घर चाहिए अपनी फैमिली चाहिए आई थिंक नंबर फोर लाइक अप्रैल जो एनर्जी है मार्च अप्रैल वो भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं आपके लिए तो अभी आप किसी चीज़ के लिए वरिड हैं तो हो सकता है वो मार्च अप्रैल या दिसंबर तक ठीक हो जाए क्योंकि ट्वेल्थ ट्वेल्व की एनर्जी है ट्वेल्व यहाँ पर भी है ट्वेल्व इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू आपके लिए जो लेटर्स आए हैं वो है वी ई ए एंड ई काफ़ी सारे ई e और ए आए हैं वी ई ए तो so ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वी फॉर विक्ट्री भी है और डार्क डार्क हॉर्स जो है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें जो हैं अभी हिडन हैं आपसे जो आप नहीं देख पा रहे हैं बट <coughs> इसका मतलब नहीं है कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी वो डेफिनेटली होंगी बट दे आर राइट नाउ हिडन फ्रॉम यू ऑल्सो आपको थोड़ा पावरलेसनेस की फीलिंग हो रही है कि अरे हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं करता हमें तो जस्टिस ही नहीं मिल रहा सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है लकी नहीं है हमारे साथ बट आई थिंक फ्रेंड्स चेस में ये बहुत पावरफुल होती है कई बार गेम इन्हीं की वजह से भी लोग जीत जाते हैं आई डोंट नो मच अबाउट चेस बट स्टिल आप पावरलेस मत फील कीजिए कई बार होता है कि पावरलेसनेस <coughs> uh, पे मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि इफ यू फील यू आर स्मॉल एंड इनकेपेबल यू शुड ये इंग्लिश में कोट है इसलिए मैं इंग्लिश में कर रही हूँ मैं हिंदी में बता दूंगी इसको आपको कि इफ़ यू फील यू आर स्मॉल और इनकेपेबल यू शुड सिट इन अ रूम विद अ मॉस्क्यूटो अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं या आप इनकेपेबल हैं पावरलेस हैं तो आप एक कमरे में कुछ मच्छरों के साथ बैठिए आपको उनकी पावर रियलाइज हो जाएगी <laughs> तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल पावरलेस नहीं है आप में बहुत पावर है ट्रस्ट करें थोड़ा सा सॉरी फ्रेंड्स रियली बैड थ्रोट टुडे Uh, ये जो है ये आपके लिए लक है फ्रेंड्स और ये ऑल्सो मुझे लग रहा है आपको फॉरवर्ड मोमेंटम ले जाने के लिए है कि आप फॉरवर्ड में चले हीलिंग के लिए ग्रीन है हीलिंग हो रही है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में रेड जो है एक्शन लेने के लिए आई थिंक आपको थोड़ा एक्शन और मोटिवेशन की ज़रूरत है थोड़ा एक्ट करें थोड़ा मोटिवेटेड रहें और जो लीफ़ है ये दो चीज़ों के लिए है फ्रेंड्स के कुछ चीज़ें आप वरी जो कर रहे हैं उन्हें जाने दें एक्सेस में चिंता जाने दें एक्सेस में कन्फ्यूजन जाने दें एक्सेप्ट कर लें या जाने दें उसे ऑल्सो कुछ नई चीज़ें आ रही हैं और बहुत बड़ी ब्रेक थ्रूज आ रही हैं सो so आपको आप उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे वो आपको काफ़ी अच्छे से दिखेंगी मदर मदर को लेके हो सकता है आप फैमिली को लेके मदर को लेके या आप खुद अपने अगर फीमेल हैं तो चाइल्डहुड को लेके या जैसे फर्टिलिटी को लेके परेशान है जनवरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू लवर इज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपको शादी करनी है घर बनाना है सो so उन चीज़ों से आप वर्ड हैं टेन ऑफ ईयर्स या कोई एंडिंग हुई है किसी रिलेशनशिप में या वर्क पे उससे से भी आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं डॉल्फिन स्टे हैप्पी फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सेवन ऑफ ईयर्स किसी ने आपको धोखा दिया है फ्रेंड्स एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट एस ऑफ काब्स लेकिन धोखे से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स क्योंकि आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता एस ऑफ काब्स डॉल्फिने हैप्पी फ्रेंड्स न्यू प्रपोजल्स न्यू लव इज़ कमिंग सिक्स ऑफ काप अव सोलमेट इज़ कमिंग टू ऑफ एयर्स कन्फ्यूजन्स आर गोइंग टू बी ओवर लक इज़ विद योर फ्रेंड्स एंड नोवर इज़ इम्पॉर्टेंट जनवरी और नवम्बर दोनों इम्पॉर्टेंट हैं एंड चिल्ड्रेन अगेन देखिए चिल्ड्रेन का कार्ड है तो हो सकता आप married है आप मैरिड हैं तो आपको अपने बच्चों की वरी हो रही हो जो कि अडल्ट या मे बी ये छोटे हैं या आप मैरिड नहीं है तो आपको खुद को बच्चे चाहिए अपने एट ऑफ ईयर्स डेफिनेटली फीयर्स रेस्ट्रिक्शन ब्लॉकेज मार्स टेक एक्शन अगर आपको डर लग रहा है या आपको रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ एक्शन लीजिए चाहे अपनी फिटनेस पे लीजिए चाहे अपने रूटीन में कुछ नया चेंज कर लीजिए आई थिंक काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी आपको उससे पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे अभी के लिए इतना ही मैजिक वें स्टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी पर्सनल रीडिंग के लिए बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें एज मैजिक वेंसटेरो दिस इज मिस्टिक सी सिंह बाय सो so फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन नंबर थ्री चूज किया है ये ब्यूटीफुल सी ऑरेंज फेदर चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं चांस रीडिंग है फ्रेंड्स चांस भी देखेंगे आपके angels, ये आपके लिए एडवाइस है फ्रॉम द एंजल्स एंड ये आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस हैं और फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं आपके चलिए कार्ड्स देखते हैं फिर चाम्स देखेंगे वाओ सिक्स ऑफ समर Six of autumn, six, six ki energy, ऑफ nice. The की एनर्जी वेरी नाइस द सन the King ऑफ विंटर द किंग Ten एंड ऑफ Friends, currently आप लोग काफी ज्यादा मुझे लग रहा है थोड़े से दुखी हैं disappointed हैं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग लो ग्रोए भी हैं रिसेंटली या आप लोग कुछ हर्ट और कुछ पेन है फ्रेंड्स सॉरी टू से लेकिन ऐसा लग रहा है आप रोए हैं थोड़ा सा आप दुखी हैं थोड़े से आप परेशान हैं कुछ लोग आप परेशान हैं लव की वजह से क्योंकि कोई आपको चूज़ नहीं कर रहा कोई आपको रिलेशनशिप uh, में किसी ने हर्ट करा है कुछ लोग आपको फैमिली ने हर्ट करा है किसी पेरेंट uh, ने फादर ने या कोई फैमिली से आपका यू नो यू आर लेट डाउन कि आपको लग रहा है वो आपके समझ नहीं रहे हैं सुन नहीं रहे हैं या किसी की फैमिली आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही है मैरिज के लिए तो वहां से प्रॉब्लम आ रही है आई ऑल्सो फील आप लोग अपने करियर को लेके भी थोड़े से परेशान हैं या रिस्ट्रिक्टेड uh, फील कर रहे हैं अनहैप्पी फील कर रहे हैं कि आपको लग रहा है आपने बहुत मेहनत की पर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको पैसा नहीं मिल रहा आपके कलीग्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपको जॉब ही नहीं मिल रहा है आप लोग काफ़ी मेरे को निराश लग रहे हैं काफ़ी थोड़ा दुखी लग रहे हैं दुखी इज द राइट वर्ड बट एंजल्स आपको श्योर uh, करना चाहते हैं फ्रेंड्स डेफिनेटली कि आपके पास बहुत सपोर्ट है आप अकेले नहीं हैं और ये मुश्किलें जो आपके लाइफ में हैं या डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे टेक स्टेप्स टू एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रेन और अदर लव्ड वंस मेकिंग यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग फॉर फ्यूचर एंड ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स आपके पास बहुत सपोर्ट है और शायद आपको दिख नहीं रहा है आपकी स्परिचुअल टीम आपके एंजल्स हम लोग मैजिक वेंस्टर हो हमारी कम्यूनिटी हम सब आपके साथ हैं शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो और कई बार ये सब चीज़ें uh, आई थिंक आपको ज़रूरत है एक फैमिली की या ऐसे लोग जो आपको ओपनली सपोर्ट करें तो आई थिंक फ्रेंड्स आई वुड रियली लाइक टू क्लैप फॉर यू वेल डन यू आर डूइंग वेरी वेल आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन पैट्स ऑन योर बैक फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट है आप दुखी ना हो कुछ लोग आप, आपको लग रहा है कि आपको फैमिली नहीं मिलेगी या आपकी मैरिज नहीं हो रही आपकी फैमिली अंडरस्टैंड नहीं कर रही आप लड़के हैं तो आपको हो सकता है उनकी फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी की वरी हो या आपको उनको फाइनेंशियली देखना पड़ रहा है फ़ैमिली को तो आपको काफ़ी इश्यूज़ हैं लेकिन फ्रेंड्स आपके पास काफ़ी सपोर्ट है अगर आप फ़ैमिली को ले परेशान हैं डेफिनेटली आपको मिलेगी और आपको काफ़ी स्ट्रांग फैमिली और लविंग फैमिली सपोर्ट मिलेगा आई ऑल्सो फील आपको न्यू फ्रेंड्स मिलने वाले हैं एंजल्स ऐसे कह रहे हैं कि आपको लॉयल फ्रेंड्स की ज़रूरत है या आपको ज़रूरी है कुछ लॉयल फ्रेंडशिप्स बनाने के लिए या आप इसीलिए थोड़े दुखी हैं कि कोई लॉयल नहीं है कोई सपोर्टिव फ्रेंड नहीं है लाइफ में आई थिंक आपको काफ़ी नॉलेजेबल लॉयल प्रैक्टिकल केयरिंग और वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स फॉर लाइफ मिलने वाले हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं वो कोई एक्वेरियस लीब्रा जेमिना है या एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को अगर काम में अपने सक्सेस नहीं मिल रहा है वो आ रहा है फ्रेंड्स डेफिनेटली सक्सेस इज गोइंग टू हैपन द गोल यू डू द गुड यू डू कम्स बैक टू यू एंड अनएक्सपेक्टेड इन फ्लो ऑफ मनी बॉडोंग वाइजली और रिपेइंग अ टेप सो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप अच्छा अच्छा करते रहिए क्योंकि जो आप अच्छा कर रहे हैं वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलने वाला है और गॉड अश्योर कर रहे एंजल्स अश्योर कर रहे हैं जिस चीज़ अगर आपने सब जगह जॉब ढूंढ लिया मिल नहीं रहा फ्रेंड्स आप आ, फिर भी होपफुल रहिए अपने एफ़र्ट्स रख करिए करते रहिए क्योंकि मुझे लग रहा है आपको वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मिलने वाली है द जॉब इज़ कमिंग द मनी इज़ कमिंग आपको अपने एफ़र्ट्स करते रहने हैं बंद नहीं करने हैं और आप करते रहिए और आई ऑल्सो फील के कुछ हो सकता है आपको घर में एक्सपेंडिचर करना पड़े या आपको उसकी उसके लिए पैसे नहीं है लाइक घर में रिपेयर वगैरह कराना है और यू हैव सम लोन्स यू नीड टू पे दैट उसके लिए मनी आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स थोड़ा सा आप सब्र रखें और थोड़ा एक्शन करते रहिए आई ऑल्सो फील कि आपको काफ़ी आपके लिए सक्सेस बहुत आ रहा है लाइफ में पॉजिटिविटी सक्सेस और एक फेम है एक सेलिब्रेशन है काफ़ी चीज़ें आ रही हैं लेकिन इसमें आपको जो है अपनी लाइफ को ये आपकी लाइफ को काफ़ी चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा रेडी होना पड़ेगा कि यू नो हो सकता है ये जो सक्सेस आपको मिले ये आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ना मिले जैसे आप जॉब सोच रहे थे लेकिन किसी और फील्ड से मिल जाए आप जॉब सोच रहे थे आपको बिजनेस ऑफर आ जाए आप बिज़नेस कर रहे थे आपको जॉब ऑफ़र आ जाए सो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस अनएक्सपेक्टेड फेम सेलिब्रेशन आप किसी ऐसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है और गॉड एंड एंजल्स आपको वो बताने वाले हैं सो गेट रेडी फ्रेंड्स गेट रेडी और अगर आप लोग इंटरव्यूज़ या एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गेट रेडी मुझे लग रहा है एग्ज़ाम्स अनएक्सपेक्टेडली जल्दी हो सकते हैं आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तब होंगे या इंटरव्यू कॉल आ सकता है कोई गेट रेडी बिकॉज आपका सक्सेस होने आप सक्सेसफुल रहेंगे ये बहुत ज़्यादा चांसेज हैं लक आपके साथ है लेकिन अगर आप खुद ही प्रिपेयर नहीं है तो ओ है गॉड इट्स लाइक सब कुछ सब कुछ रेडी था बस आप ही नहीं आए द एंटायर मील वॉज देयर आपके लिए पूरी टेबल सजी थी खाना लग गया था बस आप ही नहीं गए वहाँ सो फ्रेंड्स डू स्टडी डू स्टडी फ्रेंड्स अगर आप लोग प्रिपेयर करते रहिए जॉब आ रहा है सक्सेस आ रही है फेम आ रहा है आप लोग पॉपुलर भी होने वाले हैं आप लोग कुछ आप में कोई ऐसा क्रिएटिव टैलेंट है जो अभी आपने एक्सप्लोर नहीं करा है शायद डांस हो सकता है सिंगिंग है राइटिंग है पोएट्री है पब्लिक स्पीकिंग मोटिवेशनल स्पीकिंग कुछ तो है फ्रेंड्स जो आप एक्सप्लोर करेंगे या करने वाले हैं या आपको आइडियाज़ मिलेंगे सक्सेस काफ़ी आ रहा है आई ऑल्सो फील आप लोग लव लाइफ को लेके बहुत परेशान हैं हर्ट हैं एब्सोल्यूटली बट आई थिंक आपको उसमें रिलीफ मिलेगा देर इज़ अ पर्सन हु इज़ योर सोलमेट या आपको कोई सोलमेट ज़रूर मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आपके हार्ट को हील करने की चिल्ड्रेन और चाइल्ड हुड द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमेंसेस फ्रॉम योर पास्ट रिकन्सीशन एंड इन अ बेटर और वाइजर लाइट एंड यू नो रिकन्सिलियशन की एनर्जी है कोई पास्ट से आ सकते हैं कोई चाइल्ड हुड फ्रेंड्स या कोई नए फ्रेंड्स ऐसे मिल सकते हैं जो आपको बिल्कुल सुकून और समझ सकें बेहतर सो so, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं आई ऑल्सो फील आप थोड़ा नस्टैलजिक हैं अपने पास्ट को ले कर कि अरे पास्ट बहुत अच्छा था अभी क्या च हो रहा है ये लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है यू आर ऑल्सो मिसिंग कि आपका कोई चाइल्ड हुड ड्रीम है वो कब पूरा होगा फ्रेंड्स बहुत जल्दी होगा आप वर्क करते रहिए यू आर वेरी क्लोज टू अ ब्रेक थ्रू आई ऑल्सो फील कि कोई रिलेशनशिप है जिसमें फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपको लगता है कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा टाइम नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ फैमिली और बिकॉज ऑफ अदर इशूज़ आई थिंक वहाँ पर भी आपको सक्सेस uh, मिलेगा या कोई बैलेंस आउट होगी वो सिचुएशन आई डेफिनेटली फ़ील के uh, <laughs> कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आपके लवर या हस्बैंड या वाइफ ही ऐसे बिहेव करेंगे कि वो आपको थोड़े प्रेस की जरूरत है फ्रेंड्स आपको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है और वो करेंगे वो या तो गिफ्ट देंगे या पार्टी या कोई एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेट करेंगे आप एंड इट विल मेक यू फील हैप्पी आई ऑल्सो फील आप लोग ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं आपकी तरह आप लोग बहुत ऑनेस्ट हैं फेयर हैं प्रैक्टिकल हैं तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे हों केयरिंग स्वीट फेयर जो ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते हों माइंड गेम्स या ज़्यादा पॉजिटिव रहते हों यू नो आई थिंक आप ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं या एरीज सेजिटेरियस हो सकते हैं या एक्वेरियस लीब्रा जेमेनाए हो सकते हैं आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे ये पर्सन स्पेशली आप सिंगल हैं तो आई ऑल्सो फील के आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई सक्सेस मिल सकता है या आपको कोई अचीवमेंट मिल सकता आपके parents है आपके पेरेंट्स हैं आपके टीचर्स हैं आपको रिकग्नाइज़ करेंगे कि वो यू आर वेरी गुड एट दिस वेरी नाइस वेल डन सो ऐसी चीज़ें भी हैं सो स्टे पॉजिटिव आप लोग थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं तो उसको ज़्यादा फोकस ना करें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है डेफ़िनेटली जो मेन चीज़ मुझे लग रही है एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है आपके लिए ट्रस्ट करें लेट्स सी <clears throat> The advice for uh, you, a win-win outcome is forecasted. Full moon in Libra, definitely friends, आपकी लव लाइफ में और आपके करियर और एजुकेशन में आप लोग विन करने वाले हैं और आप ही नहीं आप और आपके साथ के लोग भी विन करेंगे ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं लाइफ में जहां आप दोनों विन कर सकते हैं आप और आपकी फैमिली आप और आपके लवर इट्स नॉट अबाउट ईदर एंड और आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक को खुश कर पाते हैं कि आप अपनी फैमिली को खुश करते हैं तो खुद को दुखी कर लेते हैं आप अपने लवर को खुश करते हैं तो आप अपने आप को दुखी कर लेते हैं तो <laughs> अब आपको ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां आप दोनों तरफ से विन 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 विन, विन हैप्पी हैप्पी फील करेंगे और टाइम फॉर हीलिंग डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको हीलिंग की ज़रूरत है और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यस टेक सम टाइम फॉर हीलिंग योर हार्ट योर बॉडी और योर सोल थोड़ा uh, आप शायद हीलिंग म्यूजिक वगैरह सुने तो अच्छा रहेगा आपके लिए एंड uh, चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज फिर हम चांस देखेंगे फैलो ट्रैवलर सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू वाह फ्रेंड्स देखिए मैं आपसे कह ही रही हूँ यू आर फीलिंग अ लिटिल लोनली यू आर फीलिंग के आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो आपको होना चाहिए आपको मिलना चाहिए कोई समझ नहीं रहा है लोनलीनेस स्पिरट गाइड्स आपको कह रहे हैं आप अकेले नई हैं सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू एंजल्स हैं स्पिरिट है और नए लोग आपकी जर्नी पर जुड़ते जाएँगे और सब चीज़ें एक साथ आपके लिए अलाइन होती जा रही हैं सो डू नाट वरी इतना ज़्यादा टेंशन ना करें नेगेटिव ना रहें रिजिड ना बने चलिए आपके चांस देखते हैं फॉर फाइल नंबर थ्री एंजल्स मैसेज फॉर फाइल नंबर थ्री वाह चलिए देखते हैं स्माइल आई थिंक आपको जरूरी है थोड़ा सा स्माइल करने की या आपको ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं दैट विल मेक यू स्माइल कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई गिफ्ट या कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर और जी हाँ देखिए द वेडिंग रिंग इज हेयर फ्रेंड्स द वेडिंग रिंग इज हेयर सो मैरिज कमिटमेंट ये सब होने वाला है लव इज़ कमिंग योर वे चलिए पहले अल्फ़ाबेट्स देखते हैं नंबर टू इज़ इम्पॉर्टेंट एन वाओ नंबर ट्वेंटी एट इज इम्पॉर्टेंट और ये स्टक है ए के अंदर आप बताएं इसका क्या मीनिंग है मुझे नंबर ट्वेंटी एट स्टक इन द ए तो मे बी ट्वेंटी एट डेट इज इम्पोर्टेंट और ये नहीं अभी नंबर ट्वेंटी एट इज इम्पॉर्टेंट देर इज एन देर इज ए देर इज टी देर इज डी एन ए टी डी हो सकता है आप कोई डॉक्टर हीलर या नर्स या स्पिरिचुअल लोगों को अट्रैक्ट करेंगे या कोई हीलिंग होगी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप किसी की हेल्थ को लेकर परेशान हो सकते हैं तो वहाँ पर भी रिलीफ मिलेगा ग्रीन इज़ ऑलसो अबाउट हीलिंग फॉर यू फॉर अदर्स वाह फ्रेंड्स गिटार पिक आया है सो so डेफिनेटली आपके लिए कोई गिटार प्लेयर म्यूजिशियन आर्टिस्ट क्रिएटिव लोग आ रहे हैं या आप मैंने आपसे बोला आपको कोई ऐसा टैलेंट है जो आपने अभी तक डिस्कवर नहीं करा है, हो सकता है म्यूजिक हो हो सकता है सिंगिंग हो, हो सकता है कंपोजिंग हो अरेंजिंग डिजाइनिंग कुछ भी हो सकता है उस पर फोकस कीजिए ऑल्सो मुझे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन आ रहे हैं जो आर्टिस्टिक है क्रिएटिव है आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे पूरी तरह डार्क नाइट ये काफी डिपेंडेबल पर्सन होंगे जो भी आ रहे हैं आप उन पर डिपेंड कर पाएंगे डोंट फॉरगेट टू सेव सी आई ऑल्सो फील के कोई वेडिंग डेट आपके लिए आ रही है या कोई वेडिंग सेलिब्रेशन फैमिली में या कोई सेलिब्रेशन आ रहा है वो डेट इंपॉर्टेंट होगी उस दिन शायद कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है आपको या कुछ ऐसा हो जो आपको बड़ा खुशी खुशी हैप्पी लगे एकदम नंबर इम्पॉर्टेंट नंबर टू 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 इज इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स आई थिंक इट्स या नंबर इज इंपॉर्टेंट नंबर टू 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 रेड इज लाइक कोई आपके लिए बहुत पैशनेट न्यू स्टार्ट आ रहे हैं फ्रेंड्स आपको दिख नहीं रहे हैं बट पॉजिटिविटी और पैशंस डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं फ्लावर देखिए थिंग्स आर ब्लॉसमिंग फॉर यू फ्रेंड्स आप लोगों को अभी दिख नहीं रहा है लेकिन चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं ऐसे खिल रही हैं आपके लिए या बहुत जल्दी ब्लॉसम करेंगी दिस इज़ द ड्रम बीट सो डेफिनेटली ड्रम्स है म्यूज़िक है ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये बहुत ही टाइनी सा चाम है मुझे नहीं पता ये क्या है दे चलिए देखते हैं इसको इसके ऊपर इसके ऊपर कुछ एंशियंट uh, विजडम कुछ बना हुआ है कुछ इंस्क्रिप्शन लिखी हैं ये बहुत ही एक मेडल सा है सो मे भी आप लोग को ये मेडल या आपको कुछ मिल सकता है दिस रिमाइंड मी ऑफ अ मेडल ऑफ विक्ट्री एट जॉब या एजुकेशन वो हो सकता है कोई आपका हार्ट दिल जीतना चाहता है फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके हार्ट की हीलिंग भी होगी क्योंकि ग्रीन कार के साथ है लीव की एनर्जी फ्रेंड्स थोड़ी वरी को जाने दीजिए अब विन विन आउटकम होगा ज्यादा चिंता ना करें नंबर टू इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फेबर इम्पॉर्टेंट है नंबर ट्वेंटी टू भी इम्पॉर्टेंट है फेबररी हो सकता है या नेक्स्ट टू मंथ्स नेक्स्ट टू डेज इम्पॉर्टेंट हैं वेडिंग भी इम्पॉर्टेंट है मैरिज कमिटमेंट प्रपोजल्स चलिए एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं फाइव ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट्स पेशेंस कोई चीज है जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हैं लेकिन वो पेशेंस रखें ठीक हो जाएगी फाइव ऑफ कॉइन्स आपको बहुत अकेलापन लग रहा है लेफ्ट आउट टू ऑफ कॉइन्स आपके लिए बैलेंस आ रहा है फ्रेंड्स ऑगस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है ऑगस्ट में ही आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाए आपको दो ही दिन वेट करना पड़े या दो महीने अगस्त सितंबर अक्टूबर टू मंथ्स थैंक यू फॉर कन्फर्मिंग एंजल्स जल्दी जल्दी मैजिक वेंस टेरो को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स नहीं कर रहे हो तो जल्दी से कर दो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है <laughs> फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स के प्रकॉन वर्कआउट और इस परसन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए एंड सैटर्न डेफिनेटली फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आपके लिए टेस्टिंग मंथ है या टाइम है क्योंकि आपका टेस्ट लिया जा रहा है लेकिन आई थिंक आप उसमें से बहुत ब्रिलियंटली बाहर आएँगे और जितना पेशेंस या जितना भी आप सब सहन कर रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे बिकॉज विन विन आउटकम इज़ हेयर फॉर यू एंड सैटर्न इज़ वॉचिंग यू तो आप टेंशन ना लें और अभी के लिए तो इतना ही मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट करें वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैजिक वेंस टेरो डॉट कॉम इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टेरो एंड दिस इज मिस्टिक सी मिस बाय